हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। वेदर चेंज हो गया है और इस वेदर में अगर बिस्तर से उठते ही हम बाहर जाके डीप ब्रीथ करते हैं तो बहुत ठंडी हवा है, तो लंग्स में उतनी ठंडी हवा जाना हेल्थ के लिए रिस्की होता है। और स्टफी को भी पता है कि बाहर अभी अंधेरा है, वो भी अपना आराम से सो रहा है। बच्चों की आज छुट्टी है तो मैं थोड़ी देर बेड पर ही बैठूँगी। बच्चों की छुट्टी होती है तो किचन में जाने की भी कोई जल्दी नहीं होती, तो उतना टाइम मैं कोई बुक वगैरह रीड कर लेती हूँ। एक बार दिन भर के काम शुरू हो जाते हैं तो फिर पूरा दिन ब्रेन में फाइट चलती है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ सुबह का कुछ वक्त अपने साथ ज़रूर बिताएं, चाहे तो कोई बुक रीड करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, कुछ नहीं तो साइलेंटली यूं ही अपने साथ बैठें। एक दिन ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मैगजीन में मैंने एक एंटी एजिंग आर्टिकल पढ़ा था। पढ़ना ही पड़ेगा, उम्र बढ़ रही है तो एंटी एजिंग आर्टिकल ही अच्छे लगेंगे। और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैंने जाना कि कॉलेजन का एंटी एजिंग में क्या रोल होता है, और वही इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर भी करूंगी। और साथ ही मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी अजीवा के एक प्रोडक्ट जो कि है प्लांट बेस्ड कॉलेजन बिल्डर, और ये हमारी बॉडी में कॉलेजन की डिफिशियंसी को बहुत ही इजीली फिल करके हमारा काम आसान कर देगा। एंड येस, दिस इज़ ए कोलैबोरेशन वीडियो विद अजीवा कॉलेजन बिल्डर। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले कर लेते हैं इंटरनल क्लीनिंग, मेरा लेमन वाटर। शायद आप लोग बोर हो गए होंगे सुन सुन के कि सुबह उठते ही मैं पहले लेमन वाटर पीती हूँ। ये मस्ट है, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ। और उससे आधे घंटे के बाद कोई भी एक फ्रूट, मैं ले रही हूँ आज अमरूद। और इस अमरूद में खास बात यह है कि ये अपने गार्डन के हैं, यानी कि ऑर्गेनिक फ्रूट है। आज मुझे लॉन्ड्री भी करनी है तो स्टफी को वॉक से लेके आने के बाद सबसे पहले मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, उसके बाद ही मैं अपना वर्कआउट करने जाऊंगी, क्योंकि जब तक मैं वर्कआउट करूंगी तब तक कपड़े धुल चुके होंगे। उसके बाद आ जाता है मेरा फेवरेट टाइम, यानी कि वर्कआउट टाइम, और ये टाइम मेरे लिए मस्ट है। अपने कपड़े मैं चेंज कर लेती हूँ वर्कआउट करने से पहले, क्योंकि वर्कआउट के लिए ड्राई फिट क्लोथ ही सबसे बेस्ट होते हैं। आप में से बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आप घर का काम भी करती हैं और वर्कआउट भी करती हैं और इतनी एनर्जी आप कहाँ से लेके आती हैं, तो बहुत सिंपल सा जवाब है कि मैं स्ट्रेस से अपने आप को बहुत दूर रखती हूँ, क्योंकि इतनी एनर्जी आपकी कहीं नहीं जाती जितनी आपकी स्ट्रेस में जाती है। और आपको सच में क्या लगता है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? सबकी लाइफ में होती है गाइज, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं उनको फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। किसी भी प्रॉब्लम से डरना और स्ट्रेस लेना उसका सलूशन नहीं है। जिसका सलूशन आपके पास ना हो उसे कुदरत पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मन की हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, और उसी में हमारी भलाई है। जितनी देर मैं वर्कआउट करती हूँ उतनी देर स्टफी छत पे ही होता है, और वर्कआउट करने के इमीजिएटली बाद में पहले ब्रेकफास्ट देती हूँ स्टफी को, और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे भी इस सीजन में डॉग्स को काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है। मौसम भी आज बहुत ही साफ है, बादल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। अगर यही धूप पूरी सर्दी में रहे तो सर्दी का पता भी ना चले। खाना खाने के बाद स्टफी को चाहिए होता है थोड़ा सा प्यार, बहुत कम होता है कि वो इतना टिक के बैठे और प्यार ले। ब्रूनो थोड़ा फ्रेंडली है लेकिन स्टफी थोड़ा अग्रेसिव नेचर का है, एकदम से डॉग्स को देख के हाइपर हो जाता है, और इसीलिए स्टफी के फ्रेंड्स बहुत ही कम हैं, जबकि ब्रूनो बहुत ही फ्रेंडली है और उसके बहुत सारे डॉग फ्रेंड्स हैं। ब्रेकफास्ट में आज कुछ नहीं बनाया, क्योंकि आज हमारा प्लान है खिचड़ी बनाने का, जो उड़द की दाल साबुत दाल होती है उसकी हम खिचड़ी बनाएंगे आज। इसलिए सबको इंस्ट्रक्शंस है कि पिन्नी और दूध या चाय जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, ब्रेड भी पड़ी हुई है, अगर ब्रेड बटर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, इसलिए आज ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। खिचड़ी वैसे भी काफ़ी हैवी होती है, इसलिए सब लोग पिन्नी वगैरह खा चुके हैं, चाय दूध जो भी पीना है वो पी चुके हैं, बस मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई है और मैं भी एक पिन्नी लूँगी और अपना काम शुरू करूँगी। जैस्मिन तो उठ गई है और शार ले रही है, लेकिन मिस्टर उदय अभी तक सो रहे हैं तो उसको उठाने आई हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, मॉर्निंग हो गई है, चलो। लेकिन उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है, छुट्टी होती है तो मन करता है कि सोए रहें, लेकिन धूप निकल चुकी है, इससे भी ज़्यादा और क्या सोएंगे। उसे बता दिया था कि तुम्हारे रूम का गीज़र मैंने ऑन कर दिया है, उठ के नहा लो। खिचड़ी, खीर, हलवा, ये सब चीज़ें मम्मा ही बनाते हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी हैं, तो मैंने सोचा था कि चलो जाके मैं थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कोई बात नहीं, खिचड़ी बना लेंगे, तुम जाके कुछ और काम कर लो। तो बस फिर उनको यहाँ पे किचन में छोड़ के मैं चली गई थी अपना क्लीनिंग पार्ट करने। शेड्यूल के अकॉर्डिंगली जो क्लीनिंग मैंने लिखी होती है, मेंशन की होती है अपनी लिस्ट में, उसी को करती हूँ। ब्रेकफास्ट आज मैंने बनाया नहीं, लंच मम्मा बना रहे हैं, तो काफ़ी स्पेयर टाइम मेरे पास बच जाएगा क्लीनिंग पार्ट कंप्लीट करने के बाद भी, तो आज मैं स्किन केयर के लिए अपना टाइम दूंगी।
जो खिचड़ी हम आज बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन एक खिचड़ी और होती है जिसको हम बोलते हैं बीमारों वाली खिचड़ी, तो वो खिचड़ी भी बनाई जा सकती है कभी कभी जब आपको लगे कि आपको अपने लिए कोई स्पेशल टाइम निकालना। अब इस तरह से आप बहुत ही कम टाइम कंज्यूम होने वाली कुकिंग कर सकते हैं, लॉन्ड्री पार्ट स्किप कर सकते हैं, कभी क्लीनिंग स्किप कर सकते हैं, तो अपने लिए एक स्पेशल टाइम निकाल सकते हैं। जो भी आप करना चाहे उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अपने शेड्यूल को हमेशा ही टाइट रखने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप सिस्टमेटिकली काम करें तो आपके सब काम हो जाते हैं। और अगर वीक में एक बार रिलैक्स भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, उससे आपका कोई ज़्यादा काम पेंडिंग नहीं हो जाएगा। जब तक मैंने क्लीनिंग की, मम्मा ने बनाई खिचड़ी और उसको शूट करने के लिए जैस्मिन को दिया था एक अलग से कैमरा ताकि वो रेसिपी शूट कर सके। और सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल डाला है मम्मा ने पहले कुकर में, उसके बाद डाल दिए हैं मस्टर्ड सीड्स, उसके बाद उसमें डाली है बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग डाला है, कुछ जीरा डाला है, बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है, और उसके बाद ग्रीन चिलीज यानी कि इतनी सारी हरी मिर्च डाली है। मम्मा बहुत ही स्पाइसी खिचड़ी बनाते हैं, थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे। उसके बाद इसमें डाल दिया है हमने प्याज जो कि बारीक काट के रखा है, अदरक दिया है। कुछ लोग खिचड़ी स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप मिर्च को स्किप कर सकते हैं। तड़का अच्छे से भून जाए उसके बाद डाल देंगे पहले से सोक की हुई उड़द की दाल, साबुत उड़द की दाल है ये, जिसको हम पंजाब में बोलते हैं साबुत माँ की दाल। तो कुकर में इसको डाल दिया है, थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे और उसके बाद डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट, गर्म करके रखा था मम्मा ने पानी उसके बाद वो इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसको चलाएंगे, उसके बाद प्रेशर कुकर कर देंगे हम बंद, एक विसल आने देंगे, उसके बाद फ्लेम कर देंगे लो और 20 मिनट तक हम लो फ्लेम पे इस दाल को अच्छे से पकने देंगे। जब तक दाल गलेगी तब तक हम चावल को धो के सोक कर लेंगे ताकि इनको पकने में फिर ज़्यादा टाइम ना लगे। तो दाल यहाँ पे पक चुकी है, उसके बाद मम्मा थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी इसमें डाल दी है, और ताकि चावलों के लिए भी हमें नमक चाहिए होगा। और उसके बाद चावल जो हमने भिगो के रखे थे वो इसमें डाल दिए हैं। दाल और चावल को अगर पहले ही पकाया जाए इकट्ठा तो चावल पक जाते हैं और दाल कच्ची रह जाती है, तो ये प्रोसेस सबसे अच्छा होता है कि पहले दाल को पका लिया जाए उसके बाद चावल डाले जाएं। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, गरम मसाला डाल दिया है और 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे और पकाएंगे जब तक पानी पूरा सूख ना जाए। तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए एग फेस मास्क, जिसके लिए मेरे को एक एग चाहिए, वो भी योक के बिना, यानी कि सिर्फ व्हाइट पार्ट मेरे को इसका चाहिए। और ये प्रोटीन आपके स्किन के पोर्स में जाएगा कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी। 2 चम्मच लिए हैं यहाँ पे मैंने बेसन के, और साथ ही डाल दिया है 1 चम्मच हनी, थोड़ा सा लेमन जूस डाला है इसमें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से शायद ये अच्छे से मिक्स ना हो पाए इसलिए आप फोक की हेल्प भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स होने के बाद आपका फेस मास्क रेडी है। लेकिन बस फेस मास्क ही काफी नहीं है, एक्चुअल में ब्यूटी को बनाए रखने के लिए सीक्रेट क्या है ये जान लेना भी जरूरी है। हमारी बॉडी में हार्ड प्रोटीन होता है जो पूरी बॉडी के प्रोटीन का 25-35% हिस्सा होता है, जिसे कोलेजन कहते हैं, जो हमारी बोन्स, मसल और स्किन को आपस में जोड़ के रखने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारी बॉडी को शेप और स्ट्रेंथ देने के लिए भी इसका रिक्वायर्ड अमाउंट में होना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है कोलेजन वीक होने लगता है, और यही रीजन है कि हमारे फेस पर रिंकल्स आने लगते हैं, क्योंकि कोलेजन अगर पूरा हो तो यही हमारी डेड स्किन को बदल के नई स्किन में ट्रांसफर करता है, और इसी वजह से रिंकल्स का आना डिले हो जाता है और हमारी स्किन शाइन करती है। बढ़ती एज में हेयर प्रॉब्लम या फिर ज्वाइंट पेन जैसी प्रॉब्लम्स आम हो जाती हैं, लेकिन अगर आपका कोलेजन पूरा है तो इन प्रॉब्लम से भी आप बचे रहेंगे। और अजीवा का ये प्रोडक्ट हमारी कोलेजन से रिलेटेड सारी टेंशन को दूर करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, सिलिका और बायोटिन रिक्वायर्ड अमाउंट में है। और साथ ही इसमें रोज़ पेटल्स, बेरीज, चेरीज और बैम्बू शूट के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी डैमेज स्किन को रिपेयर करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। कोलेजन के काफ़ी प्रोडक्ट्स एनिमल और केमिकल बेस्ड होते हैं, जिनको डाइजेस्ट करना कई बार हार्ड होता है, और साथ ही हार्ट बर्न की प्रॉब्लम भी देखी गई है। लेकिन अजीवा इंडिया का पहला वेजिटेरियन यानी कि प्लांट बेस्ड कोलेजन बिल्डर है, जिसे आप 20 की एज से शुरू कर सकते हैं, और अपनी बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन को इनक्रीज करने का ये एक बहुत ही नेचुरल वे है। आधे ग्लास पानी में
एक स्कूप ओजीवा का कॉलेजन बिल्डर मिक्स करके आप दिन के किसी भी वक्त ले सकते हैं। बहुत चटपटा टेस्ट है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। आई एम हैप्पी कि मैंने अपने फेस के रिंकल्स को थोड़ा और डिले कर दिया है। आप ट्राई करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेस मास्क मेरा रेडी है, लेकिन उसे लगाने से पहले अपनी डेड स्किन को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने फेस को स्क्रबर के साथ स्क्रब करती हूँ। एवरी मंथ हमारी स्किन चेंज होती है, इसलिए डेड स्किन को स्क्रबर के साथ निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा नहीं तो वीक में एक बार टाइम ज़रूर निकालें, अपने फेस को 3 से 4 मिनट के लिए स्क्रबर से ज़रूर स्क्रब करें, क्योंकि डेड स्किन की वजह से हमारा फेस काफ़ी डल लगने लगता है और फेस पे शाइन बिल्कुल नहीं रहती। कि मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि आप फेस पे बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते रहें तो उतना उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर इंटरनली आपकी बॉडी क्लीन नहीं है। बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, हेल्दी खाना खाएं यानी कि फल और सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं, तो आप हमेशा यंग बनी रहेंगी। फेस को स्क्रब करने के बाद और फेस मास्क लगाने से पहले अपनी स्किन के पोर्स को ओपन करना भी ज़रूरी है। उसके लिए कोई भी एक टॉवल जिसको आप हॉट वाटर में डिप करके स्टीम कर सकते हैं अपने फेस पे रखें 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे, या फिर अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीम ले सकती हैं। इसके बाद अप्लाई कर रही हूँ मैं एग मास्क। एग में प्रोटीन होता है, आपके पोर्स ओपन हो गए हैं तो ये प्रोटीन आपकी स्किन में जाएगा और आपको बिल्कुल क्लियर और शाइन करती हुई स्किन मिलेगी। ड्राई होने दें और उसके बाद अपना फेस वॉश कर लें। बस मेरा भी फेस साफ हो गया है, मैं शावर लूंगी। तो बस अब लंच टाइम भी हो गया है और अब हम खाएंगे मम्मा के हाथ की गर्मा गर्म खिचड़ी। उदय है मेरे साथ किचन में हेल्प के लिए। जैस्मिन की तबीयत कुछ आज ठीक नहीं है और वैसे भी उसका एग्जाम है, वो पढ़ भी रही है, तो उसने कहा कि वो लंच अपने रूम में ही करेगी। सबकी अपनी अपनी पसंद है, कोई खिचड़ी घी के साथ खाना पसंद करता है, कोई दही के साथ खाना पसंद करता है, लेकिन सर्दियों की यानी कि विंटर सीजन की जान होती है खिचड़ी। बस लंच ख़त्म और डिशेस को वॉश करने का सिलसिला शुरू। आप लोग मुझसे बहुत बार बोलते हैं कि मैम डेली व्लॉग शेयर कीजिए, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा होता कि मैं डेली व्लॉग में शेयर क्या करूँगी। कभी कभी एक व्लॉग बनाना ही मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वही रूटीन होती है। आपने खाना बना लिया, खा लिया, बर्तन साफ़ कर लिए, लॉन्ड्री कर ली, कुछ भी उसमें नया नहीं होता है जो मैं आपके साथ डेली शेयर कर पाऊँ। लेकिन फिर भी अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ साथ कुछ एंटरटेनिंग व्लॉग्स भी शेयर करूँ। किचन क्लीन करने के बाद अपने रूम में जा रही थी नैप लेने के लिए, लेकिन उसके पहले उदय के रूम में आई देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है। खुद से तो वो कभी टाइम टेबल बनाता नहीं, लेकिन हाँ मैं बना देती हूँ तो उसको फॉलो जरूर कर लेता है। स्टफी कितना सोता है तू पता है तेरे को? पूरा दिन सोता रहता है, कोई काम नहीं है। ये देखो, चलो स्टफी का बर्थडे केक बनाए। स्टफी कौन आ रहा है आज तुम्हारी पार्टी पे? कौन कौन आएगा तुम्हारी बर्थडे पार्टी पे? ब्रूनो आएगा। नैप लेने के बाद शाम को किचन में चाय का टाइम और साथ ही बना रही हूँ मैं स्टफी के लिए बर्थडे केक। आज बच्चे उसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं और साथ ही मेरे साथ है किचन में जैस्मिन जो बना रही है अपने लिए चिकन सैलड। फिर लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप डॉग को अपने किचन में रखते हैं जो कि बहुत ही अनहाइजीनिक है, तो प्लीज़ गाइज वो एक तो हमारी फैमिली का मेंबर है तो उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी हम उसको काफ़ी क्लीन रखते हैं। डेली मैं उसका हेयर ब्रश करती हूँ, उसके मुंह से भी कोई स्मेल नहीं आती क्योंकि मैं उसे डेली डेंटास्टिक देती हूँ। बस जैस्मिन अपने लिए चिकन सैलड बना रही है। इवनिंग स्नैक की मैंने अपनी ड्यूटी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है, मैं नहीं बनाती हूँ, बच्चों को जो भी खाना है वो अपने लिए खुद बना लेते हैं। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं केक स्टफ़ी के लिए। कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं डॉग केक बनाने में, मैंने यूट्यूब पे ही एक वीडियो देखी थी और बस वही रेसिपी मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। और जिसके लिए ये बन रहा है उसे तो शायद पता भी नहीं है कि बर्थडे क्या होता है और केक क्या होता है, लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि बच्चों को खुशी किस में मिलती है। अगर बच्चे चाहते हैं कि हमें स्टफी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो क्यों नहीं, छोटे छोटे एफर्ट्स अगर मन को खुशी देते हैं तो वो कर लेना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। बस केक बन चुका है और उदय ट्यूशन से आया, उसने कहा कि आइसिंग मैं करूंगा, तो बस वही कर रहा है। कर्ड में पीनट बटर डाल के मैंने इसकी आइसिंग की है और ऊपर से लगा दिए हैं डॉग बिस्किट्स। Bye.
चलो मेरा ट्रायल जो है वो सक्सेसफुल रहा, यानी कि स्टफ़ी को केक काफ़ी पसंद आया और उसने बहुत अच्छे से खाया भी। ब्रूनो को हम बाहर देख रहे थे उस वक्त, वो वहाँ पे नहीं था, लेकिन उसको हम बाद में दे देंगे। और वैसे भी दोनों को एक साथ कुछ खिलाया नहीं जा सकता, वो बहुत मुश्किल है। स्टफ़ी अब यहीं रहो, ठीक है, ब्रूनो केक खाएगा। देखे पहले है ब्रूनो, ओह आ गया, कहाँ से आया घूम के। ब्रूनो को अपने हाथ से केक खिलाना चाहता था लेकिन उसने खाया नहीं। हमें लगा शायद उसे पसंद नहीं आ रहा है, उसकी स्मेल उसे अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए नहीं वो खा रहा है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसने सारा केक फिनिश कर दिया था जब हमने उसके बर्तन में डाल दिया। उस वक्त शायद वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि बहुत सारे क्रैकर्स चल रहे थे और क्रैकर्स की आवाज़ से सारे ही डॉग्स डर जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। स्टफ़ी भी बहुत डर जाता है। आप देख सकते हैं इस टाइम ब्रूनो कितना ज़्यादा डरा हुआ है। बस उसके बाद हो जाता है लास्ट मील रेडी करने का टाइम, यानी कि डिनर रेडी करने का टाइम। तो आज डिनर में बना रही हूँ मैं धुली हुई उड़द की दाल, जो कि सूखी दाल बनाते हैं हम, और साथ ही पालक पनीर। तो रेसिपीज शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में बना रही हूँ। सबसे पहले साबुत मसाले डाले थे और उसके बाद वही प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही टोमेटोज का तड़का। पालक पनीर में मैंने टोमेटोज की प्यूरी बना के डाली थी और दाल में टोमेटोज वैसे कट करके डाल दिए थे। पालक पनीर में मैंने पाव भाजी मसाला डाला था और दाल में डाला था गरम मसाला। स्टफ़ी का खाना पहले ही कर देती हूं, तो अब वो ठंडा हो चुका है। स्टफी खाना खाएगा, उसके बाद जाएगा वॉक पे। तो बस कुलदीप जी भी ऑफिस से आ गए और हम लोग भी डिनर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम दोनों का डिनर लेट हो जाता है, बाकी सारी फैमिली को मैं 7:30 के अराउंड डिनर करवा देती हूँ क्योंकि डिनर करने का सही टाइम भी यही है। और मैं भी उनको फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, अगर वो बहुत ज़्यादा लेट हो रहे होते हैं तो फिर मैं भी अपना डिनर टाइमली कर लेती हूँ। आई नो खाना खाते खाते ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, पर हमारी बहुत सी डिस्कशन डाइनिंग टेबल पर ही होती हैं। अभी हमारे साथ विशाल बैठा हुआ है जो खाना खा चुका है, लेकिन उसके साथ मेरे हस्बैंड कुछ डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों ने भी जब हम दोनों साथ कुछ डिस्कस करना होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो डाइनिंग टेबल पे ही करते हैं। वैसे भी ये रात का ही टाइम होता है जब पूरी फैमिली घर पे होती है। और बस स्टफी का भी टाइम हो गया है नाइट वॉक का, तो जैस्मिन और उदय दोनों इसको वॉक पे लेके जाते हैं क्योंकि एक के बस का नहीं है स्टफी को संभालना, क्योंकि ब्रूनो भी साथ साथ चल रहा होता है। और स्टफी तो दूसरे डॉग्स को देख के इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, इतना हाइपर हो जाता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। और इनसे मिलिए, ये भी हैं ब्रूनो, इनका नाम भी ब्रूनो है। ये हमारे नेबर्स ने नया डॉग लिया है, लैब्राडोर डॉग, 2 मंथ्स का है अभी। बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है। इसको देख के मुझे स्टफ़ी का बचपन याद आ गया, जब स्टफ़ी भी छोटा था तो बहुत एक्साइटेड रहता था। अब तो वो बैठ भी जाता है, सो भी जाता है, लेकिन तब तो पूरा टाइम उसके पीछे पीछे हमें भागना पड़ता था। बस अब मैं कर रही हूँ लास्ट जॉब ऑफ द डे, किचन क्लीनिंग। और स्टफ़ी को आप देख सकते हैं यहाँ मेरे साथ साथ, उतना टाइम वो नहीं सोएगा जितना टाइम मैं बेडरूम में नहीं जाती। वो हमारे साथ हमारे ही बेडरूम में सोता है, लेकिन हस्बैंड अगर चले भी गए रूम में, इसको बुलाते भी रहते हैं, लेकिन नहीं, वो तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं रूम में एंटर ना हो जाऊं। जितना टाइम मैं अपना काम खत्म करूंगी उतना टाइम वो मेरे पीछे पीछे ही रहेगा। और घर में सबको ये शिकायत भी रहती है कि ये सिर्फ तुम्हारी ही बात मानता है, हमें तो ये कुछ नहीं समझता। सब काम खत्म करने के बाद अपने रूम में रात को 2-3 चीज़ें हैं जो मैं करना नहीं भूलती। एक तो मैं अपनी टीथ क्लीन करके सोती हूँ, चाहे मैं कितना भी लेट क्यों ना हो जाऊँ। और दूसरा, फेस वॉश करने के बाद नाइट क्रीम ज़रूर लगाती हूँ। कोई भी नाइट क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं या कोई भी कोल्ड क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, आजकल विंटर्स हैं, तो अपनी स्किन को कभी ड्राई ना रहने दें। तो ये थी मेरी फुल डे रूटीन जो मम्मा की हेल्प के साथ थोड़ी ईजी हो जाती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये जानने के लिए वेट करूंगी मैं आपके कॉमेंट्स का, कॉमेंट सेक्शन में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।